राजधानी दिल्ली में एनसीपी प्रमुख शरद पवार के आवास पर इंडिया गठबंधन की समन्वय समिति की बैठक हुई। इसमें 12 दलों के नेताओं ने शिरकत की। तृणमूल कांग्रेस के अभिषेक बनर्जी इसमें हिस्सा नहीं ले सके, इसके लिए प्रवर्तन निदेशालय यानी ईडी की ओर से समन को कारण बताया गया। कमेटी ने देश के अलग अलग हिस्सों में संयुक्त सार्वजनिक रैली करने का फैसला किया है। उन्होंने ये भी तय किया है कि वो जल्द से जल्द सीट शेयरिंग की प्रक्रिया को भी आगे बढ़ाएंगे। इस पर जल्द ही फैसला किया जाएगा। इंडिया गठबंधन की समन्वय समिति की बैठक के बाद कांग्रेस महासचिव केसी वेणुगोपाल ने कहा कि कमेटी ने फैसला किया है कि पहली संयुक्त सार्वजनिक रैली अक्टूबर के पहले सप्ताह में भोपाल में होगी। इसमें महंगाई, बेरोजगारी और भाजपा सरकार के भ्रष्टाचार से जुड़े मुद्दे उठाए जाएंगे। समन्वय समिति ने सीटों का बंटवारा तय करने की प्रक्रिया शुरू करने का फैसला किया है। ये निर्णय लिया गया है कि सदस्य दल बातचीत करेंगे और जल्द से जल्द निर्णय लेंगे। पूर्व मुख्यमंत्री और नेशनल कॉन्फ्रेंस के उपाध्यक्ष उमर अब्दुल्ला ने कहा कि मैंने अपनी बात रखी है कि इंडिया गठबंधन के दलों के पास जो सीट लोकसभा में पहले से हैं उन पर चर्चा नहीं की जानी चाहिए। अब तक जिस पार्टी के पास जो सीट है वो उसे छोड़ना न चाहे। भाजपा, एनडीए और गठबंधन के बाहर के दलों के पास जो लोकसभा सीट है उसके बंटवारे पर चर्चा करनी चाहिए। वहीं झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने बताया कि बैठक में चर्चा हुई, उसे केसी वेणुगोपाल ने सबके सामने रख दिया। सारे घटनाक्रम पर नजर रखते हुए इंडिया अलायंस अपनी रणनीति पर काम कर रही है। समन्वय समिति के जॉइंट स्टेटमेंट में कहा गया कि बैठक में शामिल सभी दलों की जाति जनगणना पर एक राय है। इसे समिति ने मीडिया के उपसमूह को निर्णय लेने का अधिकार दिया है। वो उन टीवी एंकरों के नाम पर फैसला करेंगे जिनके शो में इंडिया गठबंधन के प्रतिनिधि अब नहीं शामिल होंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया पोस्ट न्यूज़।